टेलर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लवर जीत टेलर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वो भी दिल से, क्योंकि आप हो तो मैं हूं, आप सीखोगे तो मैं सिखाऊंगा, वरना कोई मतलब नहीं रहता है। चलो वो सब छोड़ो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पार्ट में देखा कि लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा, जिसमें एक सिंपल वैल्यू होती है एक फैक्टर निकालने वाली, और ये जो थर्ड है इसमें ना सिंपल है ना फैक्टर निकालने वाला मेथड है। यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है अभी सिर्फ 11th 12th कॉमर्स के लिए नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कॉलेज लेवल पे और दूसरी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसमें भी ये कंसेप्ट आता है। सो इसकी अगर बात करूं मैं, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे 1/x-2 - 2x² - 2x है। हमारा तीन रूल, पहले x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर यहाँ x की वैल्यू 2 लिखूंगा तो 2 - 2 0, यानी 1 0 हो गया। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिखूंगा 2 का स्क्वायर 4 - 2, x की वैल्यू भी 2 2 = 4, सो ये भी 0 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर या तो कॉमन। फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं, सो कॉमन एक ही रास्ता, आखिरी रास्ता। सो 1 x - 2 = 2 x² - 2x। फ्रेंड्स हम अब क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, यहां पे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहां ध्यान से भी देखोगे तो मेरे को x square भी दिख रहा है, मेरे को 2x भी दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? वेरी गुड, अगर आपको दिख रहा है तो समझ में आ गया आपको। सो फ्रेंड्स x - 2 हमने लिख दिया 1/x - 2, अगर इसमें से हम x को अगर कॉमन निकाल दे, तो x अगर कॉमन निकल गया तो यहां 2x में से 1x निकल गया, x बचा माइनस 1x निकल गया 2 बचा, क्या ये पता चला दोनों में से हमने x को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद मेरे फ्रेंड्स यहां पे ध्यान से देखोगे x - 2 x - 2 है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जाएंगे तो यहां x - 2 है, लेकिन यहां x - 2 ये x यहां पे नहीं है, तो मल्टीप्लाई x करना पड़ेगा, यहां पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा। नब ये जो है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x का टेबल x माइनस का माइनस 1 2 जा 2, यानी ऊपर हो गया x - 2 डिवाइड बाय नीचे कॉमन डिनोमिनेटर x - 2, एक ही बार लिखेंगे x - 2, एक ही बार हम लोग लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर। ओके अब ध्यान से अगर देखोगे फ्रेंड्स x - 2 ऊपर भी है x - 2 नीचे भी है, क्या करेंगे x - 2 x - 2 कट। अगर x - 2 x - 2 कट हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे x बचा। नाउ फ्रेंड्स इफेक्ट x टेंड्स टू 2, सो x की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2, अगर x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 1 का 1, x की वैल्यू अगर 2 लिखेंगे सो आंसर 1/2। इसी है ना, सिर्फ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कॉमन वाला, कॉमन अगर निकाल दिया तो वैल्यू आराम से आसानी से होले होले निकल जाएगा अपने आप। ओके देखने से लगेगा बहुत हार्ड होगा यार, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत कंसेप्ट, वो घंटी बजनी चाहिए कि कहां से स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली कब खत्म हो जाने वाला पता नहीं चलने वाला। मेन प्रॉब्लम क्या है, स्टार्ट कैसे कहां से करना है वो आपको आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स सपोज करो, आई सपोज कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं दूसरा सम आपके लिए लाया हूं, सो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहां से ही सम लिख दूंगा x टेंड्स टू 0, जिसमें 1/x और बड़ा ब्रैकेट जिसमें 2x + 3, यहां पे 3x - 5 प्लस बीच में 3/5, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। क्लियर ना फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस सम को अगर देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 वेर 1/x और ये सब दिया गया कचरा। सुनो अभी x की वैल्यू अगर मैं ये 1/x भी है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड्स। ओके सो 1/x x की वैल्यू अगर 0 लिखी तो 1/0 यानी 0 या ब्रैकेट भी 0 हो गया, लेकिन 0 होने नहीं चाहिए, यानी इसकी x टेंड्स टू 0 0 वैल्यू डायरेक्ट x की नहीं लिख सकते। सो या तो कॉमन या तो डिनोमिनेटर या तो सेम करो, कुछ भी करो लेकिन करो। सम को कॉपी करेंगे हम लोग यहां पे fx
इज इक्वल टू वन बाई एक्स ब्रैकेट में टू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स माइनस फाइव, थ्री बाई फाइव. आपने लिखना स्टार्ट किया मतलब आधा सम तो हो गया. देखो जैसे कि जब भी बीच में प्लस माइनस वाला टर्म हो, याद रखना जब भी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो आपको डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ही प्लस माइनस कर सकते हो. यहाँ प्लस की साइन है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, करने के लिए ये फाइव इधर चला जाएगा, ये थ्री एक्स माइनस फाइव इधर ले लेंगे. पता चला? अब फाइव को इसको क्यों लिया पता चला ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए. ओके, मेरी मर्जी से नहीं कि भाई ये फाइव नहीं अच्छा इधर आ जाए, इधर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं फाइव को इसके साथ इसको इसके साथ कुछ भी झगड़ा कराऊं. मुझे कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, सब कुछ होने चाहिए. ओके फ्रेंड्स, सो ये फाइव को इधर लिया, थ्री एक्स माइनस फाइव को इधर लिया. नाउ नेक्स्ट ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई. सो वन बाय एक्स एज इट इज, फाइव को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई मतलब फाइव, टू एक्स प्लस थ्री हो गया, फाइव ऊपर ले लिया, प्लस 3x माइनस फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई. सो 3x माइनस फाइव को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो 3 पहले लिख दो, 3 के साथ 3x माइनस फाइव का मल्टीप्लाई, 3x माइनस फाइव 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. लेकिन नीचे तो हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर एक ही बार लिखते हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, 5 3x माइनस फाइव, इधर भी 5 3x माइनस फाइव, कॉमन डिनोमिनेटर एक ही बार. दो बार लिखोगे तो वापस झगड़ा हो जाएगा और आपको जीरो मिल जाएगा. ओके, इसके लिए एक ही बार कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे. नाउ वन बाय एक्स, अब जितने ही ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर डिजिट है वो सबके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि फाइव को टू एक्स के साथ, थ्री के साथ भी, थ्री को थ्री एक्स माइनस फाइव के साथ भी, फाइव को फाइव थ्री एक्स और इसके साथ भी, मतलब सब बाहर जो डिजिट है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव टू जा टेन एक्स प्लस 5 3 जा 15, क्लियर. नाउ प्लस 3 3 जा 9x, यहां माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला बोला मेरे को क्यों नहीं करोगे, इतने नाइन सारी नहीं चाहिए, उसको भी कर देते, उसको खुश रखना है. 5 3 जा 15x प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25. आई होप इतना पता चला होगा मेरे दोस्तों आपको. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहां पे कर रहा हूं साइड पे, ठीक है. 1 बाय x का 1 बाय x, क्लियर. नाउ 10x प्लस 9x, 10x प्लस 9x, आपने लाइक टर्म पढ़ा है कभी, लाइक टर्म. लाइक टर्म मतलब क्या, कि जिस वेरिएबल के साथ नंबर होता है, जैसे 2x प्लस 5x 7x हो जाता है, तो यहां पे भी तो लाइक टर्म है, 10x प्लस 9x 19x, 19x, क्लियर फ्रेंड्स. नाउ प्लस 15 माइनस 15, अरे बाप रे, प्लस माइनस जोड़ देंगे धमाका होगा, घर में इलेक्ट्रिसिटी है ना, प्लस माइनस जोड़ना कभी धमाका होगा. यहां पे प्लस 15 माइनस 15 धमाका, खत्म, दोनों खत्म हो गए, प्लस 15 माइनस 15 दोनों चले गए, सो कट. नाउ उसके नीचे 15x माइनस 25, सो 15x माइनस 25x बचा. अब मेरे दोस्तों एक चीज जो आपको बताऊं, ये ब्रैकेट और बाहर के साथ जो है साइन मतलब कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होता है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ब्रैकेट है मतलब वो मल्टीप्लाई है. सो ऊपर नीचे x x कट, सो ऊपर बचा 19 जा 19 और नीचे बचा 15x माइनस 25. जब भी ऊपर और नीचे कुछ भी कट जाए देन आफ्टर वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज अ जीरो. अब x की वैल्यू आप जीरो लिख सकते हो. सो फ्रेंड्स f x की वैल्यू जीरो, 19 का 19, 15 का 15, x की वैल्यू जीरो माइनस 25. सो 15 जीरो हो जा, टेबल आता है 15 जीरो का, हाँ 15 जीरो हो जा जीरो. सो f जीरो, 19 जा 19 का 19 यार, और 15 जीरो जा जीरो निकल गया, माइनस 25 बचा, माइनस 25. अब फ्रेंड्स जो माइनस 25 बचा वो नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है. सो फ्रेंड्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो की वैल्यू आई माइनस 19 बाई 25. आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको पता चला होगा, इसमें कोई फैक्टर नहीं निकाले और ना तो डायरी की वैल्यू लिखी हमने. ओके, इसलिए फ्रेंड्स ये जो वेरिएबल है, जो वेरिएशन है बहुत आता है लिमिट में, इसलिए मुझे इसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा. ओके,
क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाता है ना, तो यार लोग लेंथ देख के नहीं देखते कि छोड़ो छोड़ो बहुत लंबा होगा, सर बहुत पकाएंगे इसमें, इसलिए फ्रेंड्स मैंने वीडियो थोड़ा छोटा बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम रूट वाले सम और बहुत सारे सम है ऐसे तो मैं लाने वाला हूँ फोर्थ पार्ट में, ठीक है। फोर्थ पार्ट को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, ओके। पसंद आया अगर वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नहीं करना है कुछ बात नहीं, बट सीखते रहो, ओके। मकसद एक ही है सिखाना, बस सीखते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं चित्तेदर अब जल्दी जाऊंगा, तो जल्दी आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिस यू, मिस करना, मिस मुझे नहीं, सबको, ओके, बाय बाय।